नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज लहराए जाने को लेकर आरोपों के घेरे में आए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का अब एक नया वीडियो सामने आया है। दीप सिद्धू ने फेसबुक लाइव के जरिए अभिनेता और गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सनी देओल पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। इस वीडियो में दीप सिद्धू ने सनी देओल पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सनी देओल ने लोगों को धोखा दिया है। पंजाबी गायक और अभिनेता दीप सिद्धू ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के 20 दिन ये सोचकर सनी देओल को दिए थे कि वो मेरे भाई हैं। मैंने कभी भी बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगा है और आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी और आरएसएस का आदमी हूँ। दीप सिद्धू ने कहा कि सनी देओल आप गलत हैं। जब आपसे लोगों के साथ खड़े होने की उम्मीद थी उस वक्त आपने साथ छोड़ दिया। दीप सिद्धू ने कहा कि मुझे गद्दार की तरह पेश किया जा रहा है। जिस वक्त लाल किले में 5 लाख लोग घुसे थे उसमें कई नेता और गायक भी थे, लेकिन केवल उन्हें ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। दीप सिद्धू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज के समानांतर निशान साहेब फहराए जाने को सही साबित करने की भी कोशिश की। दीप ने कहा कि लोगों ने सरकार को लेकर अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए ऐसा किया था, अब जब इस मसले पर हंगामा हो गया तो कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि सरकार मेरे बारे में क्या कहती है और क्या कार्रवाई कर रही है। दीप सिद्धू ने कहा कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। दीप सिद्धू ने फेसबुक लाइव के जरिए बताया कि वो बिहारी मजदूरों के बीच खेत में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो सरकार के आदमी होते तो किसी लग्जरी होटल में रह रहे होते और मजे ले रहे होते। दीप ने बताया कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी दीप सिद्धू का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। सिद्धू ने जांच में शामिल होने की भी बात कही थी और ये भी कहा था कि वो 1-2 दिन में जांच में शामिल होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।